जय हिंद दोस्तों, तुम्हारा भाई एक बार फिर से लेकर आ गया है तुम्हारे सामने एक नई वीडियो। और आज हम लोग आए हुए हैं वंशी दुग्ध भंडार पे, और यहाँ पर हम लोगों से बात भी करेंगे कि वो कितना एंजॉय कर रहे हैं यहाँ की चाट को और यहाँ की मिठाई को। तो दोस्तों, हम शॉप के ओनर के पास आ चुके हैं और अब हम लोग बात करेंगे और जानेंगे कि इसकी टाइमिंग क्या है और क्या खासियत है कि लोग इतना भीड़ लगाकर यहाँ पर सामान खरीदते हैं। तो भैया नमस्कार। नमस्कार भैया, आपका नाम? भैया अनूप गुप्ता। तो ये दुकान किस नाम से जानी जाती है? वंशी दुग्ध भंडार। तो भैया कितना टाइम हो गया आपको ये खोले हुए? यहाँ पे तो 10 साल हो गए। हमारा एक अभी आउटलेट नया खुला है सरोजनी नगर घुमटी में। सरोजनी नगर घुमटी में? हाँ जी। तो यहाँ पे अभी 10 साल हो गए, बाकी हम लोग ग्राहक की सेवा में लगे हुए हैं और अच्छी से अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो भैया टाइमिंग क्या रहती है वैसे सुबह से अगर शाम तक की बात? सुबह 9:30 बजे से लेकर 11 बजे तक। सुबह 9:30 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक की यहाँ की शॉप की टाइमिंग है। अगर जैसे कि देख रहे हैं कि अभी चल रहा है गणेश चतुर्थी का दिन चल रहा है, तो यहाँ पर देखिए कितना ज़्यादा ये मोदक लगे हुए हैं। दो तरीके के अलग मोदक, इन दोनों मोदकों में डिफरेंस क्या है? ये खोए का मोदक है और ये गुड़ और दूध का मोदक है। अच्छा, जो ये वाइट बनता है और इसको गुड़ डाला जाता है इसमें मीठा करने के लिए, ये गुड़ से बनता है। तो ये जो ब्राउन वाला मोदक दिख रहा है ये हमारा गुड़ डाल के बना हुआ मोदक है, और जो दूसरा जो वाइट वाला जो उसके बगल में लगा हुआ है वो हमें दिख रहा है वो हमारा दूध से बना हुआ मोदक है। तो डिमांड किसकी ज़्यादा है इन दोनों मोदक? अरे यही सब नहीं पूरा हो पाता भैया आजकल, भैया ये बनता रहता है बिकता रहता है, बस ज़्यादा पूरा नहीं कर पाते हम लोग। अच्छा, और आम दिनों की अगर बात करें तो क्या चीज़ सबसे ज़्यादा बिकता है आपके यहाँ? दूध के आइटम हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा फेमस है और बाकी ये सब तो चलता रहता है, दूध के आइटमों में हम लोग स्पेशलिस्ट हैं। अच्छा भैया बता रहे हैं कि दूध के आइटमों में तो भैया स्पेशलिस्ट हैं। तो और जैसा कि बता रहे हैं यहाँ 10 साल पुरानी शॉप है, तो बहुत सारे लोग जो हमारे व्यूवर्स भी होंगे वो यहाँ पर ऑलरेडी आ चुके होंगे, और जो लोग अभी तक नहीं आए मैं उनको बताना चाहूँगा, भैया से एड्रेस भी पता करूँगा कि कहाँ से कहाँ पर लोग आए तो यहाँ पर पहुँच सकते हैं। भैया आप एड्रेस बताना चाहें कैसे कहाँ पर ये? भैया शीशा मोड़ ढाल के ऊपर है, बिल्कुल वंशी दुग्ध भंडार, बस शीशा मोड़ बाजार के ऊपर जो ढाल है, बस ढाल के ऊपर ही दुकान है ये मेरी। जैसे आप पी रोड के तरफ आते हैं तो जो शीशा मोड़ ढाल है, बस जैसे ही आप ढाल पे उतरेंगे तो वैसे ही आपको शॉप मिलेगी जिसका नाम है वंशी दुग्ध भंडार। यहाँ पर आए और तरह तरह की देखिए जो यहाँ पर मिठाइयाँ लगी हुई हैं वो आकर जरूर इंजॉय करें, और साथ ही साथ यहाँ पर बाहर चाट भी लगा हुआ है। तो भैया यहाँ पर खड़े हुए हैं जो कि लस्सी का आनंद ले रहे हैं। भाई लस्सी ले रहे हैं क्या? हाँ भाई लस्सी ले रहा हूँ। हाँ तो भाई आपका नाम क्या है? आदित्य। आदित्य भाई ये बताइए कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पर आते हुए और कैसा लगता है आपको यहाँ का चीज़? मैं तो 5-6 साल से आ ही रहा हूँ यहाँ पे और बहुत अच्छा है, मतलब क्वालिटी बेस्ट है यहाँ पे। भैया ने कहा है क्वालिटी बेस्ट है, तो आप आसपास में ही कहीं रहते हो कि दूर से कहीं आए? हाँ मैं यहीं पास पे रहता हूँ जी। आपका नाम क्या है? शिवानी गुप्ता। शिवानी मैम ये बताइए कि आपको कितना टाइम हो गया यहाँ से चीज़ लेते हुए? 10 साल हो गए। 10 साल हो गए, तो क्या ऐसा चीज़ है जो आपको यहाँ पर खींच लाता है? दूध की बर्फी। दूध की बर्फी, देखिए मैं दिखाना चाहूँगा दूध की बर्फी ये लगी हुई है, ये तो खुरचन है शायद से, वो दूध की बर्फी लगी हुई है, बता रही है शिवानी जी कि वही खींच लाता है। तो ये बताइए कि उस दूध की बर्फी के अलावा भी और आपको यहाँ पर क्या क्या चीज़ समझ में आती है? यहाँ का आइटम सब कुछ अच्छा है। मतलब दूसरी दुकानों से दुकान कैसे अलग है? अलग है क्योंकि शॉप वहाँ पे भी है, फजलगंज के आगे। फजलगंज के आगे, वहाँ पे भी अच्छा है सब। अच्छा, वहाँ पे भी अच्छा बनाते हैं इसलिए आपने वहाँ से भी लिया होगा, यहाँ से भी आप लेती हैं। तो देखिए बहुत पुरानी कस्टमर है। आपका शुभ नाम? गौरव दीच। गौरव भैया ये बताइए कि लोग तो कोई बता रहा है दूध की बर्फी अच्छी है, कोई खुरचन बता रहा है, आपका क्या फेवरेट है यहाँ? सारी मिठाइयाँ यहाँ अच्छी मिलती हैं, शुद्धता से मिलती हैं, इस वजह से हम लोग काफ़ी दूर से आते हैं। गुरुदेव पैलेस के पास। गुरुदेव पैलेस से आप आए हुए हैं, समझ लीजिए कितनी दूर दूर से लोग यहाँ पर आ रहे हैं, और इतनी दूर दूर से आने पर यहाँ पर लोगों को अलग अलग चीज़ें अलग अलग वैरायटी मिल रही है। की पकाऊंगा मैं आलू का कितनी देर तक पकाई जाएगी? बस 5 मिनट। आप ये आलू की टिक्की में और क्या क्या डालते हैं? तो बहुत सारे डालते हैं, जैसे अंदर में मटर पड़ा है और दाल की चना की दाल पड़ी है,
बहुत सारा सामान, टिक्की पड़ेगा, मसाले पड़ेंगे, दाल लच्छा पड़ेगा, भुजिया पड़ेगा। अच्छा, दिन भर में कितने लोग आ जाते होंगे? सारे 200-300 आ जाते हैं। देख सकते हैं आप यहाँ कितने अच्छे से टिक्की को इन्होंने फ्राई किया है और छोटे छोटे पीस करके ताकि अंदर तक फ्राई हो जाइए। और आप देखिए क्या और क्या डालेंगे इसके आगे आप? मटर डालेंगे भून के, मटर भी फ्राई करेंगे। आप देख सकते हैं कितने मतलब कितने अच्छे तरीके से ये बना रहे हैं उसको। नमक और मसाला कौन कौन सा डालना है? ये धनिया पाउडर है और हरी चटनी भी। आप देख सकते हैं कितनी अच्छे से इन्होंने मिलाई है और उसको आप फ्राई करेंगे। वो कितने अच्छे से इन्होंने मिक्स कर दिया हर एक चीज़, मसाला अंदर अंदर तक पूरा, मटर अच्छे से पूरा मिक्स हो गई है। भाई कितनी पुरानी दुकान है आपकी? ये 15 साल से। काफ़ी पुरानी दुकान दिख रही है, आप देख सकते हैं 15 साल पुरानी दुकान है। हाँ भाई, आप क्या करेंगे इसके आगे? ये अभी काटेंगे, अब तो सामान डालेंगे, मसाले डालेंगे। क्या क्या डालेंगे? जैसे कि ये टिक्की है, ये तलरी में मटर है, नमक है, ये काला नमक है भैया, ये धनिया पाउडर है, ये लाल मिर्च है, ये भी चटनी है, ये चटनी भैया उसका है, इमली का है, ये दही है भैया, देख सकते हैं आप यहाँ पे कोई भी गुंजाइश नहीं छोड़ी है इन्होंने अच्छा बनाने में, पूरे इतना अच्छे से उसको सजाया है। और ऊपर सबसे मेन चीज़ ये पनीर डाल लें ऊपर से, देख सकते हैं आप, बहुत कम जगह है, हमने तो अभी तक आज तक खाई है ही नहीं है ऐसी। आप देखिए कितने अच्छे से पनीर और ये धनिया पाउडर मिला के, हरी धनिया भी, हरी धनिया भी ऊपर से ये डाल रहे हैं, देख सकते हैं आप। चलिए हम इसको टेस्ट करते हैं। आती है वैरायटी, देखिए आप कितने टाइप की नमकीन आपको यहाँ पर दिख रही है। तो दोस्तों देखिए मिठाइयों की कितनी सारी वैरायटी लगी हुई है यहाँ पर। अगर वैरायटी की बात करें तो अलग अलग तरीके की रसमलाई भी लगी हुई है, पनीर भी लगा हुआ है, हमारा छेने से रिलेटेड बहुत सारी मिठाइयाँ जो यहाँ पर लगी हुई हैं। आप बहुत सारी दुकानों में गए होंगे जहाँ पर मिठाइयाँ मिलती हैं, लेकिन ये पहली अपने आप की दुकान है जहाँ पर देसी घी मुझे देखने को मिला है। वाह, कितने सारे डब्बे लगे हुए हैं घी के, बहुत ही सही लग रहा है। देखिए यहाँ पर मैं घी की प्योरिटी का तो नहीं बता सकता, लेकिन हाँ भैया ने तो यहाँ पर क्लेम यही किया है कि वो बहुत ही प्योर घी यहाँ पर बेचते हैं। बहुत सही उम्दा क्वालिटी लग रही है देखने में, वैसे तो देखने वाइज अगर जाए तो बहुत सही लग रहा है। उम्मीद है आप लोगों को यहाँ पर जब आएंगे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा, और अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर आकर मिठाई एंजॉय करें और दूसरे जगह की भी मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूँ, तो आप मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।